उसके लिए एक बोलते हैं ना, टीचर और स्टूडेंट के बीच का कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। अगर हम ऐसे बात करें, अगर मैं कई बार पेरेंट्स से डिस्कस करती हूँ कि आप वैसे भी अगर आप एक आप अपने मन में सोचें कभी, तो आप बच्चे को अगर रेगुलर स्कूल के साथ जैसे हम प्रिपरेशन करवाते हैं, तो आप माने 6 to 7 hours तो बच्चे के स्कूल में निकल ही जाते हैं, आना जाना, फिर स्कूल में भी 5-6 घंटे की पढ़ाई होती है, 7 घंटे की पढ़ाई, उसके बाद बच्चा घर आता है, फिर आप माने 1 घंटे का कुछ रेस्ट वगैरह करता होगा, फिर 4-5 घंटे के लिए किसी और कोचिंग पे जाता है, फिर घर आके भी उसको 1-2 घंटे की सेल्फ स्टडीज़ होती है, स्कूल का भी वर्क होता है, कभी कभी कोचिंग की भी सेल्फ स्टडी होती है, तो वैसे भी आप ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करेंगे 13 से 14 घंटे बच्चे को तो लगना ही है। कॉम्पिटेटिव की प्रिपरेशन है, उसको तो सब कुछ करना है, 13 से 14 घंटे तो उसको वैसे भी प्रिपरेशन करनी है। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कल्पवृक्ष पे क्या किया है, हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें बच्चे को पढ़ना तो आज भी 13 घंटे ही है, है ना, लेकिन उसे वो 13 घंटे थोड़ा सा प्लान्ड तरीके से स्कूल की प्रिपरेशन के साथ, स्कूल के टॉपिक सिलेबस को कवर करते हुए, फिर कॉम्पिटेटिव की प्रिपरेशन, इस चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए 13 आवर्स का शेड्यूल बनाया है। अभी क्या होता है, बच्चा स्कूल जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है टॉपिक कुछ और चल रहा है, बच्चा कोचिंग आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है टॉपिक कुछ और चल रहा है, तो वो दोनों चीज़ों को जो है साथ में लेकर नहीं चल पाता है। कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है तो सिंस क्योंकि उसने स्कूल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, बट साइमल्टेनियसली उस वक्त कोचिंग पर भी कुछ टॉपिक्स चल रहे थे जो कि डिफरेंट थे, क्योंकि आप दो अलग अलग लीग में उसको भेज रहे हैं, आप स्कूल अलग भेज रहे हैं, कोचिंग अलग भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा हो जाता है कि वो किसी एक जगह अच्छा परफॉर्म कर पाता है और ड्यू टू लैक ऑफ हम बोल सकते हैं कि टाइम, सिंस उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर सके, तो कोई एक जगह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। इससे बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम डीमोटिवेटेड रहता है कि शायद मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। इस प्रॉब्लम से अगर हमें बच्चे को बचाना है, और सिंस आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे मैंने अभी आपको कहा, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हम अगर बच्चे से कहेंगे बेटा 2 नाव में सवार हो जाए तो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा किसी एक जगह अच्छा परफॉर्म करना। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया है, हमने ये बच्चे को एक प्लान शेड्यूल बनाया है जिसमें हम उसका स्कूल का पूरा सिलेबस भी कवर करते हैं और साथ ही साथ सेल्फ स्टडी में भी क्या सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैथ्स आता है, आप मैथ्स ही मैथ्स करते रहेंगे तो मैथ्स तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई ये ना बताएगा कि आपको फिजिक्स को भी पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री को भी पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है कई बार केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हम उसको पढ़ते ही नहीं, हम कभी बुक्स ओपन करते ही नहीं, हम थोड़ा रीड करते हैं और खुद ही सेल्फ फील करने लग जाते हैं यार मुझे नींद आती, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, तो अनइंटेंशनली भी कई बार हमसे कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट इग्नोर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रॉपर शेड्यूल देते हैं जिसमें मॉर्निंग में 8 to 2 बच्चे की क्लासेस रहती हैं, उसके बाद जो सेल्फ स्टडी का टाइम होता है उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं, डेली बेसिस पे टेस्ट होते हैं, क्योंकि टेस्ट से क्या होता है कि बच्चा पूरे टाइम जो है उस प्रिपरेशन में लगा रहता है, उसे पता है कि आज अगर केमिस्ट्री के किसी टॉपिक का टेस्ट है तो मुझे उस अच्छे से पढ़ना है, या आज मैथ्स के किसी टॉपिक का टेस्ट है तो मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो उसको एक सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिलता है 3 से 4 घंटे का। वो सेल्फ स्टडी करने के बाद फिर उसे टेस्ट देने के लिए कहा जाता है, और ये जो टेस्ट डेली होते हैं तो डेली टेस्ट से क्या होता है, हो सकता है कि आज मैंने टॉपिक पढ़ा है, आज मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया तो आज का टेस्ट अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन उसी टॉपिक के टेस्ट तो बार बार होंगे, 10 बार हो जाएंगे, 15 बार होंगे, तो 3, 4, 5 टेस्ट के बाद तो आपको टॉपिक बनने लगेगा, क्योंकि हर टेस्ट के बाद एनालिसिस और डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। तो अगर आप पहले दूसरे तीसरे दिन आपको लग रहा है कि मैं परफॉर्म तो कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ पर शायद मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए भी, या कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है, अगर सिली मिस्टेक्स हो रही है कॉमन, जैसे मेरी मदर से डिस्कस होती तो उनका हमेशा रहता है कि ये जल्दबाजी में आंसर टिक कर देते हैं, तो वो भी कितना कर रहे हैं हम कि भाई हम कहीं ऐसा तो नहीं, सॉल्व तो पूरा कर लेते पर जल्दी जल्दी में आंसर गलत टिक कर लेते, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी जब आप डेली टेस्ट देते हैं तो आप अपने परफॉर्मेंस को जब एनालिसिस करते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ ये गलतियाँ भी मुझसे हो रही है और उनका करेक्शन भी टाइमली होना बहुत ज़रूरी है। तो हम कल्पवृक्ष पे यही करते हैं, हम बच्चे को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, 13 घंटे पढ़ना है, आपको वैसे भी 13 घंटे पढ़ना है, बस यहाँ पे आपको वही 13 घंटे की पढ़ाई जो है वेल प्लान्ड शेड्यूल के अंडर करनी रहती है, जिसमें कौन से टॉपिक के टेस्ट होंगे ये भी आपको बताया जाता है, सेल्फ स्टडी भी रहती है, डाउट क्लियरिंग सेशन एनालिसिस भी रहता है, और आपके 6 आवर्स की क्लासेस भी रहती है। तो ये इस तरीके का पूरा एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है जो आपके रिजल्ट को एनहांस करने में बहुत हेल्प करता है। अब आपको ऐसा लगता होगा कहीं ना कहीं कि ये 13 घंटे का रोज़ पढ़ना पॉसिबल है क्या, इतना पढ़ सकते हैं, तो उसका एक तरीका ये होता है कि जब हम देखें, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बच्चा जब 10th से नए 11th में आता है तो वर्कलोड एकदम बढ़ जाता है,
इनिशियली हम भी बच्चे को जो है पहले दिन नहीं बोलते कि बेटा आज तुम आए हो तो आज 13 घंटे पढ़ो, ऑफ कोर्स नॉट। हमको भी टाइम लगता है, हम भी कम से कम 3 से 4 महीने का समय लेते हैं, मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम लेते हैं वो 13 घंटे का स्केड्यूल करने में। शुरू में जब बच्चा पहले महीने आता है तब उसका टाइमिंग जो रहता है 3 से 4 घंटे का रहता है, धीरे धीरे करके 15 डेज के बाद वो टाइमिंग जो होता है 6 आवर्स का होता है, फिर आफ्टर द नेक्स्ट 15 डेज वो टाइमिंग 7 आवर्स का होता है, धीरे धीरे करके उसका टाइमिंग बढ़ता है ताकि उसे भी सेटल होने के लिए टाइम मिल जाए। नेक्स्ट थिंग ये होती है, जब हम ये प्रिपरेशन करते हैं, डेली टेस्ट देते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो उसके लिए ऑफकोर्स मैं भी अवेलेबल रहती हूँ, सर अवेलेबल रहते हैं, एक पूरी काउंसलिंग टीम रहती है जो बच्चे को रेगुलर बेसिस पे काउंसल करते हैं कि इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग, समय दें अपने आप को, पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है कभी कभी आपके लायक नहीं है, उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस पर्टिकुलर चैप्टर पर इतना फोकस न करें, जो बन रहा है उस पर फोकस करें। तो बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो भी तभी पॉसिबल हो पाती है जब बच्चा लंबे समय तक हमारे साथ हो, उसको भी उसकी गलती डेली बेसिस पर पता चल रही हो, हमको भी पता चल रही हो कि वो कहाँ मिस्टेक कर रहा है, तभी ये सब चीज़ें जो हैं पॉसिबल हो पाती हैं। अब नेक्स्ट थिंग ये आती है कि अब बच्चा 13 घंटे पढ़ तो रहा है यहाँ पर, मतलब जैसे काउंसल्स वगैरह होते हैं, इनसे बच्चों से मिलने आते हैं कि बच्चों के साथ कि भाई कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनका, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि कहीं पर आपकी कोई क्वेरी हो, आपने कभी बच्चे के साथ ये ऑब्जर्व किया हो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो पेरेंट्स आर ऑल्सो फ्री टू टॉक विद स्टूडेंट्स कि आप आएँ यहाँ पर बात करें कि कहाँ दिक्कत आ रही, तो हम उस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं स्टूडेंट के साथ। कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन इज नॉट ईजी, आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, आपको जो रेगुलर सिलेबस है उसके अलावा भी 3 to 4 books तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी, जिससे कि जो है कि अपने क्या कहते हैं कि आप उस सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर चैप्टर में अपने परफॉर्मेंस को जो है एनहांस कर सकें। बट देखिए, अगर आप प्रैक्टिकली सोचें, आप खुद अगर वो 3 books घर पे सॉल्व करने बैठेंगे तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट रेगुलर बेसिस पे अगर आपको यहाँ पे डेली आपको होमवर्क असाइन किया जाए, आपको बताया जाए कि कौन सी बुक से कौन से चैप्टर को कब करना है, तो चीज़ें शायद थोड़ी आपके लिए भी इजी हो जाएगी। एक बोलते हैं ना, एक रास्ता मिल जाता है तो उस पर चलना आसान हो जाता है, पर रास्ता भी खुद ही ढूंढना है और चलना भी खुद ही है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जाता है, प्रिपरेशन भी आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है।